Myself, Rakesh Sharma. I've done my engineering from IIT Ghaziabad. I think you are a nice guy, but तुम ना बहुत अजीब हो. मुझे सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर. मेरी फ्रेंड है ना नीतू, गुड़गांव वाली. अरे उसे पीयूसी का कॉल था. उसकी लड़की को तो पसंद आ गया. लो, खुद ही आ गई. सुनैना जी कहाँ है? तुम रो क्यों रहे हो? एक लड़का आया था बाइक पे मंकी कैप पहन के. सुनैना ने मुझसे ये दुपट्टे की रस्सी बनवाई और वो भाग गई उसके साथ. बाल पकड़ के घसीटते हुए वापस लेके आएंगे सुनैना को. तब तक तुम ये ढोल अपने घर वालों के आगे मत पीटना. प्लीज, यू आर अ नाइस गाय. थैंक्स यार, बाय. बाय. परसों रोके की डेट है और सुनैना दी का कुछ भी पता नहीं है. आई लव यू श्रुति, और मुझे लगता है तुम ही मेरी सोलमेट हो. बस छोटी वाली क्या है ना, हाँ डॉक्टर है. अच्छा सुंदर भी है ये. हाँ. छोटी वाली बहुत सुंदर है. नहीं, वो सुनैना कौन से आ गई? आज पे जितना मैं पापा उतने ही वो पापा. तो तुम्हारा मतलब है एक हफ्ते में तुम्हें मेरी बहन से इश्क हो गया है? जी. वैसे तो बड़ा शर्मा बने फिरते हो, यहां शर्म नहीं आई? अरे ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए. तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आई पहले ऐसे भागते हुए और उसके बाद फिर अचानक वापस आते हुए? अरे वो क्या है ना, मैं विपासना में चली गई थी. शादी इज अ वेरी बिग डिसीजन यार, मुझे बिना डिस्ट्रैक्शंस के सोचना था. श्रुति फोन क्यों काट रही है यार बार बार? बट डोंट वरी, अब मैंने ना क्लियर दिमाग से सब सोच लिया. शादी के बाद हम बहुत खुश रहेंगे. कान में मैल जमा है क्या तुम्हारे? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, मैं नहीं प्यार करता तुमसे. बेबी, अरेंज्ड मैरिज में प्यार शादी के बाद हो ही जाता. तुम जबरदस्ती शादी कर लोगी मुझसे? यार कितनी हरामी लड़की हो तुम. जीजू, दीदी से ऐसे बदतमीजी से बात मत करो. अरे यार श्रुति, तुम इसे छोड़ो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ यार, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? इन्होंने जबरदस्ती रोका करा दिया मेरा. चलो कोई बात नहीं, रोके तो टूटते जुड़ते रहते हैं. मेन बात यह है कि हमें सगाई से पहले सब कुछ सॉर्ट करना है. जीजू आप कितने फनी हो, आपको ना स्टैंड अप ट्राई करना चाहिए. मुझे लगा कुछ बहुत अर्जेंट है इसलिए बार बार कॉल कर रहे हो. आप भी ना, चलो गाइस एंजॉय. बाय. अबे इस पे किसने मंत्र मार दिया? सुनो, मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों कह रही है. मैं कर लूंगा उसके साथ सारी चीजें सॉर्ट, पर देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता. प्लीज तुम ये शादी तोड़ दो. प्लीज प्लीज, आई बेग यू प्लीज. देख यार, इतनी सेंटी होने की जरूरत नहीं है. ये जो तू प्यार प्यार कर रहा है ना, कुछ नहीं है. दो चार दिन साथ घूमने की वजह से अट्रैक्शन हुई है. डेस्परेट लॉन्डो के साथ अक्सर ये हो जाता है. इट्स वेरी कॉमन. नहीं नहीं नहीं, तुम अरे तू टेंशन मत लेना. जब मैं अपनी बेबी डॉल वाली नाइटी पहन के आऊंगी ना, तुझे मुझसे भी हो जाएगा प्यार. बेबी डॉल क्या चीज? रेड कलर की है, अभी पहन के दिखाऊं? I'm so sorry. अरे नहीं, अरे हटो यार. सुनते वो मैंने उसको पकड़ा, नहीं नहीं उसने मेरे को पकड़ा था यार. एक सेकंड सुनो. हेलो, अबे यार हम ये इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? घर पे बैठ के शराब क्यों पी रहे हैं? कहीं ठेके वेके पे चलते हैं ना, पास में गाड़ी में बैठ के पी लेंगे. अरे बैंचो, इसको तो चूता ही फटा रहते हैं अपने घर वालों से पूरे टाइम. अगर आज तूने साफ साफ बात की होती तो बैंचो इतना रंडी रोना होता ही नहीं. यो बात तो सच है, जरूरत से ज्यादा है इसकी.
अब कुछ बोल ले मायूस मीना। क्या बोलूं यार, ये कह रहा है मैंने अपने घर वालों से कुछ कहा क्यों नहीं। तो ये तो पता ही है मेरे घर वाले मुझे बचपन से ना चूतिया समझते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कद्दू में तीर नहीं मारा मैंने आज तक। और बोलता क्या मैं उनको, लड़की देखने गया, कहा कि भाई पसंद है, रज के सुबह शाम बात करी, रोज घूमने गया, पर रोक के से जस्ट पहले छोटी वाली ज्यादा पसंद आ गई जी, अब उससे करा दो। हाँ सुनने में तो वैसे किसी माधरचोद बंदे की कहानी लग रही है। अरे मेरा मतलब तेरी कमाई धमाई भी तो नहीं है, एक लुली सा पैकेज है तेरा। भाई कमाई की और पैकेज की दिक्कत है ही नहीं, कमाई तो मैं बिनोमो से कर लेता हूँ ना। ये बिनोमो? बिनोमो बताया तो था। अरे बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। इस उम्र में नहीं होगी पढ़ाई लिखाई, किताबें तो मैंने बचपन में ही चला दी थी। अरे पढ़ाई लिखाई और कोई कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, बिनोमो आपको एक डेमो अकाउंट देता है फ्री में, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स ब्रशअप करो, उसके बाद रियल अकाउंट से रजिस्टर करके प्रॉफिट कमाओ। देख मैं दिखाता हूँ, ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मैंने पैसे डिपॉजिट करे, अब मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने ऊपर का सेलेक्ट किया, आ गया प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, इन पैसों को मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ और कोई भी डाउनलोड कर सकता है डिस्क्रिप्शन लिंक से और प्रॉफिट कमा सकता है, इतना सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ कमाई की तो दिक्कत है ही नहीं, बात कुछ और ही है। वैसे एक बात समझ नहीं आई, पूरी फैमिली लड़की के भागने के बाद भी एंड तक चुप रही, इसका मतलब उन्हें भी किसी तरह अपना फटा नोट चलाना था। तो क्या बता भाई क्या चलाना था। एक सेकंड, क्या कही इसने? फटा नोट। ये मुझे चूतिया बता रहा है। ओए इधर देखियो रे, तेरे में क्या हीरे चढ़े हुए हैं, मुझे चूतिया कैसे बता रहा तू? प्रेस खराब हो रही है। अबे प्रेस गई भाड़ में, इधर देख ऊपर, तूने खुद क्या किया है आज तक? चार साल में एक फ्लैट बिकाया तेरे पे, वो भी तूने अपनी खुद की बुआ जी को बेचा है, बोल बोल की बुआ जी नहीं हो मेरी, बुआ जी नहीं हो मेरी, और बहन चो मुझे चूतिया बता रहा है तू? अरे मैं बुढ़िया की बुढ़िया, अरे मेरा मतलब दादी माँ बहन चो। वाह बांधनों का लड़का, कोई शराब पीता है तू? नहीं अम्मा ये पीते है शराब, मैं तो बस बियर पीता हूँ। बस थोड़ा सा मुझे भी टेस्ट करा दो। अम्मा नहीं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्या बोल रही हो? दो चार साल टोटल बच रहे हैं मेरे, हेल्थ सही रख के ओलंपिक में मेडल लेना है क्या मुझे? चखा दे थोड़ी सी। चलो लो मैं एक बार इसमें सोडा भर देता हूँ ऊपर से, ठीक है? आप गुस्सा भी नहीं चलेगा। सामने देख ले कार्यक्रम खत्म भी हो गया है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे बचपन में पिताजी करेले का जूस पिलाते थे। चल एक पैग और। अरे नहीं दादी आप तो बिल्कुल हद ही पार कर रही हो यार। क्या हो रहा है, किस चीज का शोर है? वो क्या रही? अम्मा कुछ बोलो ना। ये लोग शराब पी रहे हैं। ब्राह्मणों के घर में शराब? अम्मा कितनी गंदी हो आप। राम जादे शराब पी के मेरे गाली निकालता है, गंदी बोलता उसे। हम यहाँ लोगों को कहते फिर रहे हैं कि हमारा लड़का चाहे कैसा भी हो शराब सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता, और ये यहाँ आशी कर रहा। क्या कर रहे हो जवान लड़का है? अंकल जी आंटी जी की बात सुन लो, जवान लड़के पे हाथ नहीं उठाते, खून गर्म होता है। सही कह रहा तू। नहीं तू चप्पल तूने बिगाड़ा ये। अंकल जी आप हमें ऐसे कुत्ते की तरह नहीं मार सकते। अच्छा हाँ तुम तो एक प्रधानमंत्री लगा बच्चा। और बना दो इस अंकल जी। फोन बज रहा है, रविंदर अंकल का कॉल आ रहा है। रविंदर अंकल इस टाइम पे क्यों आ रहा है? उठा ले उठा ले, क्या पता दर्जी के लिए कॉल आ रहा हूँ, कुछ बात करनी हो। बेटा तू एक काम कर उठा ले और स्पीकर ऑन कर। हेलो। और बेटा क्या कर रहे थे? कुछ नहीं अंकल, बस बैठे थे। अब तो बेटा पापा कहने की आदत डाल लो। जी एक बार मिला हूं यार किसी रैंडम बंदे को, पापा कैसे बोल दूं? बहुत अजीब बोलते बहनचो। डैडी बोल दे अमीर लगेगा। जी डैडी। अरे बेटा एक बात बताओ, हमारे पास जो गाड़ी है वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक? गाड़ी तो मैनुअल ही है। उसका बच्चे बोल, गाड़ी तो मैनुअल है लेकिन कंफर्ट ऑटोमेटिक में ही आता है।
जी जी डैडी, मैं कह रहा था गाड़ी तो मैनुअल है पर कंफर्ट तो जो है वो ऑटोमेटिक में ही आता है। वो तो है। अच्छा, मैं तुम्हें कैटर देता हूँ, कल दिन में 12 बजे आता हूँ। जी अंकल, डैडी, ओके। नए डैडी ने बचा लिया तुझे, समझे? और आगे से ना कोई शराब पीता दिखना जाए मुझे यहाँ। पर हमारे घर वालों को तो कोई दिक्कत ही ना है। चुप, जाओ जाके सो, सुबह शोरूम भी जाना, ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई। क्या हो गया? पापा ने तो पीटा है, थूक दे गुस्सा। चल एक पैक बना दे। अम्मा चुपचाप नीचे जाके सो जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि बचपन में आपने मेरी मालिश करी और बहुत प्यार दिया है मुझे। जाओ प्लीज। मैं जान तो आज भी है। अबे गाय की जान, इसका बाप था वरना बेंचो मार मार के कुत्ता बना देता। चलो सोने चलता, अंकल जी ने बोला कल शोरूम में जाना गाड़ी लेने। चलो बेंचो। नील मार दिए। बताओ बेटा कौन सी पसंद है? डैडी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, आपको जो सही लगे मैं क्या भूलूं। शर्मा रहे हैं। वैसे बेटा हमने तो ये वाली पसंद करी थी, बाकी आप बताओ। ग्रेट चॉइस सर, 85 शादियां हैं एक ही मुहूर्त पर और सभी ने ये कार सेलेक्ट करी है, इसका मतलब समझते हैं आप? हाँ, सस्ती और टिकाऊ है। ओ भाई तू फीचर बता दामाद जी को, बता। 1500 cc का इंजन, 21 की माइलेज, फुल्ली ऑटोमेटिक और हाइब्रिड में तो इसका मुकाबला ही नहीं है। बढ़िया गाड़ी तो नहीं बनी। सुना दामाद जी इन्होंने क्या कहा? दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी। सॉरी 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 डैडी, वो ना शीशा ऊपर चढ़ा हुआ था तो आवाज नहीं आ रही थी। अरे कोई बात नहीं, तो वो वाली गाड़ी फाइनल कर लें। हाँ मतलब आप देख लो आपको जो सही लगे। भाई इसका बताइए यार एक बार। सर इसे तो आप जानते ही हैं, जवां दिलों की पसंद, इंडिया की सबसे रुबाब वाली गाड़ी फॉर्च्यूनर। दामाद जी मैं कह रहा था कि पेपर वर्क कर लेते हैं उसका। हाँ डैडी आप कर लो ना, आपको जो कर, मेरे सिग्नेचर लगेंगे क्या? आप कर लो, आप जो आपको सही लगे। भाई ये बता ना, ये 4x4 है क्या? बिल्कुल सर, 4x4, 2.8 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन है इस। अरे बाप रे बाप। अच्छी, मैं कह रहा था कि ये वो चला के देख लेते हैं उसे। अरे डैडी मुझे नहीं चलानी, मतलब मैंने चला रखी है। सैंडी के पापा, तेजिंदर के पापा सर यही चलाते हैं, सारे पापाओं की पहली पसंद है वो। आप करा लो उसको जो कराना है। भाई ये क्या वेटिंग चल रही है इस पे अभी? सर इस पे फिलहाल 9 महीने की वेटिंग चल रही है। ब्लैक कलर में मिल जाएगी? ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ये वाली पसंद आ रही है आप। अरे नहीं डैडी, आप क्या आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली ये गाड़ी मेरी ड्रीम लिस्ट में है, तो इस वजह से मैं बस पूछ रहा था। अब ऐसा मत सोचो।
कितने की पड़ेगी ये ऑन रोड? सर ये आपको सिर्फ 55 की पड़ेगी। 55? 55? कोई बात नहीं, 20 साल से SIP कर रहा हूँ, ससुर इतने भी ना निकले तो क्या फायदा। अरे डैडी पर निकालने क्यों है, मैं लूंगा ही नहीं आपसे ये। नहीं रमाज जी, नहीं बिल्कुल नहीं, आपके मन में जो है वही गाड़ी दिलाएंगे आपको। ये भैया नहीं नहीं नहीं, बेटी की शादी थोड़ी। अरे नहीं मैं नहीं, आप इनकी एक बात नहीं सुनोगे, इन्होंने जिस पे हाथ रखा है जो इनके बजट में आता है हम वो लेंगे। ठीक है नहीं, दख दीजिए दमाद जी, देखिए मैं मन से दे रहा हूँ आपको, मैं लूंगा ही नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा आपकी कोई बात। अरे मतलब ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? अरे हाथ नीचे करो, ये क्या कर रहा है, क्या चल रहा है ये? कुछ तुम सुति, तुम कहाँ से आ गई? अरे कुछ नहीं, ये यहीं से जा रही थी तो मैंने कहा कि साथ ही चल ले। कुछ नहीं बेटा, दामाद जी को फॉर्च्यूनर पसंद आई है। क्या बात कर रहे हो, कितना झूठ। मैं 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 फॉर्च्यूनर अच्छी? नहीं 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 नहीं, मैं झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरे को वही दिलवा दो जो कह रहे हैं। मैंने तो पता ही कर रहा हूं, मैं तो दामाद जी को फॉर्च्यूनर पसंद आई है वही देंगे। मना नहीं करिए इनको। हां भाई तू मेरे को जरा वो इसकी फीचर्स और डिटेल समझा। तो मेरी मैं चाहिए ही नहीं मुझे ये, अब क्या जबरदस्ती, मैं मना ही कर रहा हूं इनको तब से। श्रुति तुम मुझे क्या इग्नोर कर रही हो यार, मैं कितने दिन से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। अरे जीजू आप एंजॉय करो ना, नाइस कार, अब आप किसी बात का स्ट्रेस मत लो। तुम क्या बात कर रही हो यार, सारा स्ट्रेस ही स्ट्रेस। अरे इधर आओ श्रुति, इधर आओ जल्दी। जीजू क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो तुम ये जीजू जीजू बोलना बंद करो, माँ कसम गाली लग रही है। क्यों जीजू? फिर जीजू मैं, तुमने एक बार और मुझे जीजू बोला ना, मैं अभी जाके डैडी को सब सच बता दूंगा हमारे बारे में। अच्छा इतनी हिम्मत है, तो रोके में जाके क्यों बैठे? सुनैना दी से इतना चिपक क्यों रहे थे? जहां दहेज के लिए कार क्यों देख रहे हो? लड़ी तुम मेरे साथ यहाँ डाट लेना, आजो जल्दी, आजो जल्दी, मुझे छूना बंद करो बार बार। तू डैडी ढोंगी, तुम क्या मुझे ढोंगी ढोंगी बोल रही हो यार? देखो जैसे तुम अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाई, ऐसे मेरी भी तो मजबूरियां थी ना, मैं भी नहीं बोल पाया, वो मुझे कितना गलत समझते। देखो सीधी सीधी बात ये है दैट आई लव यू, और तुम ही मेरी सोलमेट हो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम ही मेरी सोलमेट हो, कोई और नहीं हो सकता। ठीक है राकेश, तब भी मैं सोचूं बातें सुनी सुनी सी क्यों लग रही है। हाय ऐश्वर्या, श्रुति अभी एक महीने पहले मैं और राकेश भी मिले थे अरेंज मैरिज के लिए, और इसने मुझे भी सेम लाइनें चेपी थी। ऐश्वर्या तुम कहा मतलब ऐसे पुरानी बात। अरे छोड़ो ना, देखो बहन समझ के बता रही हूँ, ऐसे फैसलों में जल्दबाजी नहीं करते हैं। मुझे ही देख लो, थोड़ा सा वेट किया और आकाश मिल गया। गवर्नमेंट जॉब है, PCS है PCS, और ट्रैवल का भी शौक है, मेरी तो फुल लाइफ सेट हो गई सिर्फ एक सही डिसीजन से। चलो यू गाइस एंजॉय, बाय। टोटल कितनी सोलमेट्स है तुम्हारी? ये नहीं है, ये ऐसे ही बोल। कैसा आ गई मुझे तुम्हारे जैसे के लिए फीलिंग। श्रुति ये देखो, परमानेंट है, रोके वाले दिन तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बनवाया था मैंने। डेस्पिरेशन में कई लड़कियों को आई लव यू बोला होगा, तुम्हारे साथ डेस्पिरेशन नहीं है, तुम्हारे साथ सिर्फ फीलिंग्स हैं। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बंद करो इसे, सब देख रहे हैं। देखो सच बात तो ये है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन
बड़े पापा मम्मी ने बहुत किया है मेरे लिए, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। अब अगर सुनैना फिर से भाग जाए तो ही हमारी शादी हो सकती है, वरना भूल जाना मुझे। अब ये सुसरी सुनैना कैसे भागेगी यार? जो तुम्हें पसंद है तुम बोलो। तुम भी ना आकाश, ये हमेशा ऐसे करते हैं पापा। ये ठीक है, कोई ओपिनियन ही नहीं। अरे ऐश्वर्या, क्या हाल है? नमस्ते अंकल। हाय राकेश। अभी एक महीने पहले मैं और ऐश्वर्या भी मिले थे अरेंज मैरिज के लिए, पर इसने कहा तुमसे शादी हो भी गई तो भी मैं प्रकाश से ही प्यार करूंगी, उसी से अफेयर रखूंगी। मैं कहा चलो ठीक है भाई, प्रकाश से ही कर लो शादी। कांग्रेचुलेशंस, हो गई बचपन के प्यार से शादी, लकी मैन। पर मेरा नाम तो आकाश है। वो नहीं है, बाकी लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है, ठीक है। पर अंकल शादी जहां भी हो मुझे कार्ड जरूर देना, ठीक है, मैं आऊंगा। नमस्ते अंकल। अरे पर तुमने इसका पता लगाया कैसे? अरे फेसबुक इंस्टाग्राम तबीयत से स्टॉक करो, किसी की भी कुंडली निकल जाती है। यही है सुनैना का बंदा जिसके साथ वो भागी थी। और टेंशन नहीं लेनी बहन चोर, अभी जाके दो चांटे इसकी गुद्दी पे मारेंगे कि साले जवान लड़कियों को घर से भगा के वापस भेजता है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ये धूप में पैदल क्यों चल रहे हैं? कुछ ऑटो ऑटो कर लेते हैं ना। बिल्कुल ही पैर टूट रहे हैं, जरा सा चला नहीं जा रहा। ये बनेंगे आशीष, ये वाला। अरे खोल, एक बज रहा, कितना सोएगा? कोई है? अरे मेरा स्लीप साइकिल खराब है, सुबह ही सोया हूँ मैं। अरे बहनचो कोई चूतिया तो नहीं है? पक्का यही है? अरे 100% बहनचो। अरे भाई खोल दो, एक बार बात कर लो, जरूरी बात है, उसके बाद दोबारा सो जाना। अरे भग जाओ यहाँ से भोसड़ी वालो, शाम को आना। गाली दे रहा है, गाड़ी कैसे धीरे? गेट खोल एक बार, तुझे मैं बताऊं, 4:30 मैं गेट खोलियो, खोलियो एक बार। थक गए, जाओ अब शाम को आना। अरे कोई बेहाल आदमी लग रहा है भैंचो, चलो शाम को आते हैं। भाई सुनैना की तरफ से आए हैं। अरे हम क्या चूतियों की तरह गेट पीट रहे थे यार, ये पूरा खाली तो पड़ा है, पीछे से आ जाते ना। मैप पे यही दिखा रहा था। अरे यो स्टाफ के टट्टी करने की जगह है, सीधा अंदर आ जाओ। पेशाब की बदबू। अच्छा पेशाब, वहां मैंने नेवला देखा जाता हुआ। क्या लगते हैं आप सुनैना के? होने वाला पति तेरी। अरे एक सेकंड, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी उससे, इसीलिए तो आपके पास आए हैं मदद के लिए। बाय द वे एंथनी,
राकेश अब आ गया समझ में, लड़का क्रिश्चियन लड़की हिंदू, इसीलिए तो नहीं मान रहे थे। ओ लंडेर, पूरा नाम एंथनी पांडे है। एंड माय सेल्फ तेजिंदर यादव उर्फ तेजी। प्रॉपर्टी का मोटा काम है अपना गुड़गांव फरीदाबाद में, कभी कोई दुकान जमीन कुछ चाहिए हो तो बता दिए, फोन मिला लियो। घर गाने के पैसे नहीं है, कह रहा जमीन खरीद लो, जाने दो। सुनैना कहाँ है? सुनैना अपने घर पे, तुम्हारी याद में रो रही है सुबह शाम। रो रही है? हाँ भाई, जो रो रो की पूरी समीज गीली कर दी। समीज? अरे परा की छोटी बहन भैंचो, यहाँ यहाँ तक आंसू बह रहे हैं ना। बात कर लेते ना पहले भाई, बहन चुन नशे में। अरे आपसे तो पूछा ही नहीं, आप लेंगे संतरा? नहीं। चाय कॉफी? माल मंगा दूं? माल मंगा दूं बहन चुन। अरे नहीं एक सेकंड, तू माल पीने ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जगह तो बढ़िया दे रखी है, बिल्कुल रोड के कोने पे है। कितने स्क्वायर फीट है? होगी करीब 40x60। अजी लैंड 40x60, 30x40 से एक इंच भी ऊपर होगी ना तो नाम बदल दिए मेरा। अरे दीदी सुन ना, हम इतने बैठे हैं ना तो नाप ले लेना बेचो, इंची टेप नहीं तेरे पे? इंची टेप भूल सकूं के? लाए ना तो बेचो, जब बेटा फटाफट नाप ले, जब नाप ले बेचो। ठीक है भाई, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। क्या तुम सुनैना से प्यार करते हो? जान से भी ज्यादा। अरे तो रोक लेते ना उसे, जाने क्यों दिया, हिम्मत कर लेते थोड़ी। अच्छा और कहाँ रखता उसे? या? मैंने ना सुनैना से प्रॉमिस किया था कि ऋतिक रोशन वाले जिम की फ्रेंचाइजी लेके सेटल हो जाऊंगा, आपने सपोर्ट ही नहीं किया, गान पे लात मार के बाहर निकाल दिया वो अलग। अरे तो बहन से कुछ और कर ले, अपंग है क्या? आ तेरी मोमोज की रेडी खिलाऊं किसी जिम के बाहर, चल खड़ा हो। जिम मेरा मंदिर है और बॉडी बिल्डिंग मेरी पूजा। सॉरी, शरीर के हिसाब से तो नास्तिक ही लग रहा है फिर ये मुझे। भाई तू मुझे सीधा सीधा ये बता, सुनैना को भागने के लिए कन्विंस कर सकता है कि नहीं? बेरोजगारी के साथ बेवफाई फ्री मिलती है। अच्छा अगर हम तेरा काम सेट करवा दे तो, तेरी जिम खुलवा दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती हमें। लो जी लो, मिठाई खरीदो, हो गया सौ रुपए। कितने बजे जाइए जिम के लिए? 50 लाख लंड हो गया सौ। वो चल खड़ा हो बैठो, सुनैना पुनैना जिससे चाहती होती कर। अरे एक मिनट बात तो सुन ले यार, इतनी दूर इसलिए आए थे क्या? सोचने दे थोड़ा तो, दे दे फिर, तेरी 10 साल की सैलरी मांग रहा है बेंचो, है तेरे पे? नहीं है मेरे पे यार बेंचो, मुझे थोड़ी ना पता था यहाँ के ये 50 लाख रुपए मांग लेगा, मुझे लगा कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगी, लड़का घबरा गया होगा, मोटिवेट करेंगे मान जाएगा। यहाँ तो बेंचो प्रॉब्लम ही फाइनेंशियल है, 3-4 लाख रुपए होते तो कर। तभी कहंदे ने प्यार करना आसान जानी, मिलना मुश्किल। बातें थोड़ी कम चौदा कर, के कही थी तेरे ते? मैं करूंगा तेरे पैसे अरेंज, पर तू वादा कर सगाई वाली रात आएगा, सुनैना को भगा के ले जाएगा, उससे शादी करेगा और खुश रखेगा उसे, करेगा वादा? पिंकी प्रॉमिस। चलो अब खड़े हो जाओ, मेरे डेडलिफ्ट का टाइमर है। छोड़ कल मारेंगे। दोस्तों आप सबका शुक्रिया,
इस फंक्शन में आने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारी बेटी की सगाई रमन जी के बेटे राकेश से होने जा रही है। बहन के लोड़े दल्ले, तुझे गल बजाय करने के लिए खड़ा करा था। जय एंथनी क्यों नहीं आया अभी तक? तेरी जिम्मेदारी थी ना बेंचो। सिर तो 100 बार मना कर रखी है ना, गुद्दी मत मार कर, गुद्दी कमजोर हो करे। और क्यों टेंशन ले रहा इतनी? आ ही रहा होगा, बस सुबह से फोन से चौफा रहा उसका। अच्छा फोन से है? हमारे इस फंक्शन में चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ है हमारे एमएलए साहब। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। मैंने कहा था ना भूल जाओ मुझे, कुछ नहीं हो सकता अब। अरे श्रुति हो गया चमत्कार, हमने सुनैना के बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया, वो आ रहा है उसे लेने। हाँ? सच में? अरे हाँ। कैसे? वो सब मैं तुम्हें रामगाथा बाद में बताऊंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हमने अपनी दोनों बेटियों को इतने अच्छे संस्कार, इतनी अच्छी परवरिश दी है, इसी की वजह से आज वो इतने सुंदर परिवार का हिस्सा होने जा रही है। बहनचो पूरे प्लान की माँ चुट जाएगी, ऊपर से गर्मी इतनी चूतड़ तक पसीना पहुंच गया बहनचो। ओए खाना खुल गया, आ जाओ फटाफट। फोन आ गया एंथनी का। चूतिया के पट्टे फोन का कान में डाल रखा तूने सुबह से, कहाँ है तू? आ गया मेन गेट, अबे चौंगू साले मेन गेट पे गान मरा रहा है तू? ए लड़की भगाने आई सगाई में नाचने, पीछे के गेट से आ। और सुन बिना आवाज किए चुपचाप आइयो, समझा बहनचो? आ गया, मुझे लगा राकेश की गाना मरी जाएगी। अब खाने खा ले चल बहनचो। Someone's looking pretty. आप जाओ आगे का मैं देख। क्या हुआ, ये किसका बैग है? आपके कपड़ों का, मैंने हैंडी रखा था जस्ट इन केस अगर भागना पड़े तो। Not again यार Shruti, बात तो हो गई है इस बारे में, अब भाग जाए ऐसे मुझे चुपचाप सगाई करने। देखो दी आपका बंदा नीचे आ गया है, अगर आप नहीं गए तो वो अंदर आ जाएगा और ये लोग सबको आपका कांड बता देंगे। कांड? पर लोगों को कैसे, और वो आने के लिए मान कैसे गया? मुझे तो कह रहा था रेडी नहीं है। अरे दी पता नहीं क्या होगा, वो सब बाद में समझाऊंगी मैं, राकेश ने उसको रेडी कर लिया, प्लीज चलो वरना पापा बिना ब्लश के आपका गाल लाल कर देंगे। चले आप भी चलिए। बेटियां तो पर तुम लोगों ने ये सब किया कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे ये चूतिया है क्या? अरे बहन का पागल है, अभी बोल रहा था कि चुपचाप आइए, उसने मैं बताता हूँ बहन चो ना, कॉल करो उसको यार, ये क्या हॉर्न सारा कूड़ा इकट्ठा करेगा, मैं इसमें भर दूंगा। बेबी मैं आ गई, बस हॉर्न बजाना बंद करो प्लीज। हाँ तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ? गेट पे कहाँ? कौन से गेट पे आ गई तू? अरे माँ बाप तो दोनों सो रहे हैं, तू घर तो नहीं आ रही मेरे? तू यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने बुलाया? इसे किसने बुलाया मतलब यही है ना तुम्हारा लवर, जाओ फटाफट भाग जाओ उसके साथ, पेरेंट्स आ जाएंगे। अभी इस नशेड़ी को छोड़े हुए 2 साल हो गए, इसका बच्चा लेकर घूमूंगी मैं? मेरा लवर तो जोसेफ है। अब ये बहन का लोड़ो जोसेफ कौन है? ओए गाड़ी मत दियो बहन चोद, जा तू जोसेफ चौधरी, वहीं आके गेंद फाड़ दूंगा तेरी। अच्छा रुक जा, लोकेशन भेज रहा हूँ, बहन चो झाड़ सकाऊ गांड में पित्तल भर दूंगा। अरे बहन चो एक बाप की औलाद है ना, तो फटाफट टैप फल और आई जा। अब अच्छा प्यार साले एक काम दिया था तुम्हें, तुमने पूरे प्लान की माँ बहन कर दी, अब कैसे जाएगी ये? देखो सुने ना उनसे छोटी सी गलती हो गई, लेकिन प्लीज देखो समझो मैंने हाथ जोड़े नहीं, चली जाओ तो दी अब प्रेग्नेंट हो तू? तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे हमें कैसे पता होगा बहन चो, हम लोग तेरे पेशा में टैग डुबो डुबो के क्या करते हैं क्या? तो फिर तू किस कांड के बारे में बात? अरे इसी 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 कांड के बारे में बात कर रही है, और किस कांड का हमें पता? अरे सैंडी भाई आप मजाक किसी भी जगह कर देते हो बहन चो, पता है हमें पेट में बच्चा है इनके, और वो किसी का भी हो। बात यह है कि अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें इस एंथनी के साथ ही भागना पड़ेगा और इसके साथ ही शादी करनी पड़ेगी। सुने ना भाई बोना पांडे क्या कर रहा है? अभी तू रुक जा यार, इस चूते के साथ जाएगी मेरी जुत्ती। तुम तो कह रहे थे मुझसे प्यार करती है, मरे जा रही है मेरे साथ भागने के लिए।
तो हराम जादे ये क्यों नहीं बताया, दो साल से तेरे से बात नहीं उससे। बहुत गाली दे रहे हो तुम सारे, तुम में से किसी ने पूछा भी तो नहीं था। अच्छा बैंक के लोड़े वहां तो बनान में बैठा नेता बना बैठा था कि धरती चोद दूंगा आसमान चोद दूंगा, ये नहीं बताया दो साल पहले मुंह पे थूक के जा चुके तेरे। चुप करो एक सेकंड। देखो दीदी दीदी देख सुनैना, दिमाग खराब मत कर, वो बंदा आ गया है, भाग जाओ उसके साथ। मुझे उसके साथ नहीं जाना। तेरा तो बाप भी जाएगा, पैसे दिए जा चुके हैं। श्रुति अपनी इकलौती बहन को बेचने में शर्म नहीं आई तुझे? अरे हमने नहीं लिए पैसे, हमने उसे दिए। सुने ना कौन है ये ससुरे? हेलो देखो राकेश, हम दोनों शादी कर लेते हैं ना। नहीं, नहीं नहीं। अरे अगर तुम मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर लोगे ना, मैं तुम्हारी लाइफ सेट कर दूंगी एकदम। नहीं। अरे मैं बहुत खुश रखूंगी तुम्हें। अरे नहीं। अरे खाना बनाना सीख लूंगी। नहीं भाई वर्क करना भी आता। अरे नहीं राकेश। नहीं ये तुम्हारी जो भी कला है अब तुम जाके एंथनी को दिखाओ, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें शादी एंथनी से ही करनी पड़ेगी। सुने ना इस नाली के कीड़े से शादी मत कर लियो, मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चुप कर जा सुअर, जब आई थी तेरे पास तब तो फट के हाथ में आ गई थी, अब भौंके जा रहा है। और तू इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा क्यों है? तू यहाँ सबसे इररिलेवेंट है, फोन रख। सुने ना देखो मैं इसके साथ कैसे जा सकती हूँ, इस नल्ली के पास तो काम धंधा भी नहीं है। वही तो बता रहा हूँ इतनी देर से, फाइनली जिम खोल लिया मैंने अपना इनके पैसों से, लेकिन तुम लोगों की गालियाँ ही नहीं रुक रही। ओह शिट। देखो सुने ना, जो करना जल्दी करना पड़ेगा, पेरेंट्स आ रहे हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला या तो तुम इस चूतिए के साथ चले जाओ जिसे तुम पहले से जानते हो और अब अच्छे पैसे भी कमाता है, या फिर तुम मेरे साथ रुक जाओ, कल को मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मैं वैशी दरिंदा हो सकता हूँ, बेल्ट चला सकता हूँ तुम्हारे पर। अरे जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया भाई, अब मेरी बात सुन, जैसे परिवार एकदम पास आ जाए ना, हल्का सा धक्का मार दियो और भाग जाइयो, ठीक है? और अंडरग्राउंड हो जाइयो भाई, शादी कर लेना, दोनों मिलना मत किसी को भी, ठीक है? आजा जल्दी आजा, आजा आजा आजा, आ ही गई बस आ गई। इतनी गाली कभी मेरे बाप ने नहीं दी बहन चोत, इतनी तुम लोगों ने आधे घंटे में दे दी। आ जा बनाओ तुझे प्लानर। परिवार वाले आ रहे हैं यार, बात लंबी खिंच जाएगी भाई, बुरा क्यों मान गया यार तू, जाना चला जाना बहनचोद। साले बड़ा उचक उचक के रैपट मार रहा है, हैं? साले दिल्ली का बन के दिखा रहा है, बहनचोद पहाड़ी। हटा हटा हाथ मार कर, कैसे हाथ में नहीं आऊंगा। पिटू तो नमेश बोने थे भाई, नहीं है भाई नहीं है, परिवार वाले आ रहे हैं यार। हो गया डिसाइड हो गया, लाए मुझे तो। अरे एक काम तो रह ही गया। सुनैना गांगे, और ये कुत्ते की तरह आपको कौन पीट रहा था? पापा वो सुनैना दी, सुनैना दी भाग गई। हमने रोकने की बहुत कोशिश की पर चाचू अब मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा क्या? अरे बेटा कोई घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा, सब गधे पे चढ़ेंगे और वो काला अलग से होगा। दामाद जी आप तो ठीक हो ना, चोट तो नहीं लगी ना? अबे कहें के दामाद जी, बेटी तो भाग गई आपकी।
अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इज्जत नीलाम होगी और वो भी दोनों परिवारों की। है कोई सोल्यूशन? है कोई सोल्यूशन? नहीं ना, कोई सोल्यूशन नहीं है। होगा कोई सोल्यूशन तो बहुत सोचने पे आ सकता है। क्या क्या हो सकता है सोल्यूशन बताओ? कोई सोल्यूशन नहीं है। तेजिंदर यार, तेरे को कोई काम देना ही नहीं चाहिए भैंचो। इनविटेशन कार्ड पे राकेश की मंगनी रविंदर और नीतू की सुपुत्री लिखवाया है। कौन सी वाली? नाम तो डाला ही नहीं भैंचो। क्या फर्क पड़ता है कौन सी वाली? बहुत बदनामी होगी भाई। सारा शहर बुला रखा है मंगनी पे। कल अखबार में क्या मतलब है इसका? दिल का कर दिया तेरी गलियां मेरा घर पिया, लगी हमको तेरी आदतें, जब आए तो हमको नजर पिया। एक बात समझ नहीं आई बहनचो, तूने एंथनी को 50 लाख रुपए दिए कहाँ से? सुनाना के बाप ने मुझे फॉर्च्यूनर के लिए दिए, मैंने एंथनी को पकड़ा दिए। भाई प्यार में बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग सुने थे, लेकिन फॉर्च्यूनर की कुर्बानी पहली बार देखा है। चेयर्स पंडित की मोहब्बत के नाम। चेयर्स। सुने ना, सुने ना, सुने ना, अरे कोई सुने ना ने बुला दो, मैं अपना घर बार सब छोड़ आया हूं उसके खातिर। सुने ना, सुने ना। Hey guys, what is up? Thank you so much episode 1 को इतना प्यार देने के लिए, और sorry episode 2 थोड़ा सा लेट हो गया, but I hope episode 2 देख के आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, आगे और एपिसोड चाहिए क्योंकि अभी शादी हुई नहीं है, कमेंट करना है आगे के एपिसोड्स के लिए, और सब्सक्राइब करना है यार। कब तक हम ये 7, 7.5, 7.5, 8 करते रहेंगे यार? करवाओ जल्दी यार 10 मिलियन सब्सक्राइब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो को डाउनलोड करो। सिंपल है, सबसे पहले आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिसपे आप पहले अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को ब्रश अप करो, बिना कुछ भी इन्वेस्ट करे पहले ब्रश अप करो, सीखो, उसके बाद मेन अकाउंट से रजिस्टर करो। और बहुत सिंपल है, देखो इधर यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा ये जो 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करो, पॉजिट दिखेगा, बहुत सारे ऑप्शन है, UPI, पेटीएम, बहुत सारे ऑप्शन है, डिपॉजिट करो पैसे, ट्रेडिंग करो, कमाओ, और विड्रॉल का भी ऑप्शन यहीं पे ही आता है, और पैसे विड्रॉ करके अपने अकाउंट में लो सीधा। ठीक है, अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं। भर देना कमेंट सेक्शन, तभी आएगा अगला एपिसोड। अरे बहनचोद कैमरा बंद कर दिया क्या पहले ही? वो बैटरी खत्म हो गई।